चाय के साथ खारी तो सभी लोगों ने खाई होगी, लेकिन आज हम एक और नई रेसिपी शेयर करेंगे जो कि है खारी समोसा। इसे सतपुड़ा भी बोलते हैं, जापानी समोसा भी बोलते हैं, तो बहुत नाम से। और ये बहुत टेस्टी और क्रंची होता है और ये स्ट्रीट फूड है अमृतसर का। तो ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है और उसमें मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। अब डाला है 1/4 चम्मच अजवाइन, उसको हम थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। 1/4 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है देसी घी, तो यहाँ पर 3 चम्मच हम देसी घी इसमें डाल रहे हैं। देसी घी की जगह पर आप इसमें कोई दूसरा ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये जो मोयन है इससे ना बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगी और टेस्टी बनेगी। बस इसे ना हमें रब करना है, बहुत अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेना है ताकि जो घी है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमें मीडियम सॉफ्ट डो रखना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट या बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखेंगे, बस मीडियम इस डो को हमें तैयार कर लेना है। तो बस तैयार हो गया है डो और उसे हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल चिकना। अब थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा कर ना 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और तैयार करेंगे इसके लिए स्टफिंग, जो कि हम आलू का एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, आलू बॉयल होने के बाद ठंडे कर लिए थे और मैश कर लें उसको हाथ से, आप इसे मैशर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैश होने चाहिए, मोटा आलू इसके अंदर हमें नहीं चाहिए। अब हमें इसको भूनना है, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल गरम किया है और 1/2 चम्मच जीरा डाला है। मैं इसे बिना लहसुन और प्याज के बना रही हूँ, आप चाहे तो लहसुन और प्याज भी भून सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च। तो दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच डाली है लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बहुत कम हल्दी डालेंगे और मसाला बहुत ज्यादा तीखा नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला या ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इसमें जो आलू मैश किए थे वो डाल दिए और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ में डालें थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुने जीरे का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और डालेंगे अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, आप चाहे चाट मसाला भी इसकी जगह पर ले सकते हैं। अब हमने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला है और बस इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमें ऑयल ना बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत कम ऑयल में हमें इसको भूनना है क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। अगर आलू में ज्यादा ऑयल हो जाता है तो स्टफिंग जब हम भरते हैं फ्राई करते हैं चीज को तो बहुत ज्यादा ऑयल वो पी लेती है, तो ऑयल ना रहे इसमें ज्यादा नाश्ते में, तो इसके लिए हमें मसाले में बहुत कम ऑयल डालना है। अब इसे ठंडा कर लेते हैं। अब हम इसके लिए एक साटा तैयार करेंगे जिसमें एक बोल में डाल रहे हैं हम 3 चम्मच देसी घी, आप कोई ऑयल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप देसी घी ही लें। अब इसमें डाला है 2 चम्मच मैदा और इसको मिक्स करेंगे, एक साटा तैयार करेंगे जिससे कि हमारी जो खारी है उसके अंदर लेयर आएगी। तो आप कोई जो भी कुकिंग ऑयल है जो भी आप खाते हैं वो उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं। तो साटा तैयार हो चुका है, आटे को एक बार चेक कर लेंगे और स्मूथ करेंगे पहले। तो चॉपिंग बोर्ड पर हम इसको स्मूथ करते हुए एक रोल बना लेंगे इसका। और इसकी ना हमें लोइयां काट लेनी है, तो इससे करीब 6-7 लोई तैयार होंगी। तो इसे सतपुड़ा समोसा भी कहते हैं, खारी भी बोलते हैं, या फिर आप और किस नाम से जापानीज समोसा शायद इसको बोलते हैं, तो आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ ये किस नाम से मिलती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं।
आपको हमने इसकी यहाँ पर शीट बेल लेनी है। तो जो भी हमने लोइयां काटी हैं वो सभी शीट्स पहले बेल कर इसको तैयार कर लेंगे। और शीट्स को हमें बहुत मोटा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो पहले सभी शीट्स देखिए हम यहाँ पर बेल कर तैयार कर लेंगे। तो शीट्स तो हमने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। अब जो हमने साटा तैयार किया था वो एक एक करके शीट पर लगाएंगे और सारी शीट को एक के ऊपर एक करके रखते जाएंगे। तो ये करीब 6 से 7 शीट से बनता है। मैं यहाँ पर केवल 4 शीट का यूज कर रही हूँ अभी। इसमें बहुत सारी लेयर्स डाल सकते हैं। देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से साटे को अच्छे से लगा लेंगे, तभी हमारी लेयर बहुत अच्छे से निकलेंगी। अब बस ये लास्ट शीट है, यहाँ पर मैं केवल 4 शीट से ही अभी तैयार कर रही हूँ। और इसको हल्का सा प्रेस कर दें ताकि सभी शीटें आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट हो जाएंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि ये चिपके गई नहीं जब हम इसे बेलेंगे। एक बार इसे फिर से बेलकर थोड़ा सा शीट को पतला कर लेंगे। बस इसे हमें बेलकर ना थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। अगर बहुत ज्यादा पतला हो गया तो ये हमारी लेयर नहीं खुल पाएंगी। तो खारी की जैसे लेयर होती है और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप इसे बनाकर रखें। अब देखिए हमने जब तैयार कर लिया है तो इसकी जो साइड्स हैं वो जो अनइवन है उसको हम निकाल देंगे। और ये जो हम निकाल रहे हैं इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको फिर से हम रोल आउट करेंगे और फिर से हम इसकी शीट इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब हम बस इसको सेंटर से काटकर इस तरह से स्क्वायर पीसेस में इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सारे पीस पहले इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अब हम बनाएंगे खारी समोसा। तो उसके लिए बीच का जो पोर्शन है इसको हल्का सा बेल लेंगे। तो साइड से इसकी मोटी ही रखनी है थोड़ा सा और बीच को थोड़ा सा बेल लेना है। फिर जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था उसकी इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लिया, उसे उस पोर्शन पे रखेंगे और इस तरह से पानी लगाकर इसको इस तरह सेट कर देंगे। तो बस अब जब ये हम फ्राई करेंगे ना तो ये बस जो ऊपर की परतें हैं वो सब खुल जाएंगी और अंदर ये स्टफिंग बिल्कुल समोसे वाली रहेगी। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है, टेस्टी बहुत लगता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसे बस अच्छे से साइड से हम इसे सील कर देते हैं। बस इसी तरह से हम सारी शीट से सतपुड़ा समोसा अपना तैयार कर लेंगे। और अब मैंने देखिए सभी तैयार कर लिए हैं, ऑयल को भी गरम किया हुआ है और इसमें क्या है ना मीडियम के बाद हम इसे गैस का फ्लेम लो कर देंगे जब हम इसे ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। और थोड़ी देर तक लो हीट पर ही इसको पकने देंगे जब तक ये ऊपर की तरफ तैरकर नहीं आ जाती। जैसे जैसे ये खुलेंगी इसकी लेयर्स की एकदम ऊपर की तरफ तैरकर आएंगी उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो ये खारी समोसा घर पे बनाना बहुत आसान है, बहुत टेस्टी लगता है और 1 कप आटे से आप ढेर सारे समोसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने तो वैसे भी छोटे साइज में बनाए हैं, मार्केट में जो मिलते हैं उसका साइज काफी बड़ा होता है, वो एक ही समोसे से बहुत ज्यादा पेट भर जाता है। तो देखिए यहाँ पर लेयर्स इस तरह से इसकी सारी लेयर खुल जाएंगी। तो ये बहुत क्रिस्पी बनती है एक एक लेयर्स और बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं सोखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर आ गई हैं तो इसको पलट लिया है, लो टू मीडियम हीट पर हमें इसे फ्राई कर लेना है जब तक अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। अब देखिए कितनी बढ़िया इसकी लेयर्स आई है ना। तो बस जब अच्छा कलर आ गया है गोल्डन कलर उसको हम जाली पर निकाल लेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि त्योहारों का मौका है तो आप जरूर बनाइए, शाम की चाय हो या घर पर गेस्ट आए ना, ऐसा मजेदार सा नाश्ता जब घर पर ही बना हो तो बस बात ही कुछ और होती है। अब देखिए इसे हम सभी
मैंने सारे बैच तैयार कर लिए हैं, 3 बैच में मैंने इसको फ्राई किया था और कितनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम बेमिसाल लग रही है, एक इतनी टेस्टी, मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है, और इतनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है कि बस। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, एकदम मार्केट जैसा खारी समोसा आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।